वेलकम टू ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 24 वीडियो कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इसका दूसरा वीडियो है कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स नाउ वी आर गोइंग टू सी द कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स विच इज कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो इफ यू आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टाइम प्लीज सी द पार्ट 1 वीडियो बिफोर सीइंग द सेकंड पार्ट अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कूलिंग सिस्टम हमने बताया वी हैव सीन एयर नेचुरल द नेम इट इज एयर नेचुरल AN ON9 means oil natural, air natural, and ONF it is oil natural, air force, and OFAF. अभी इतना हम तो डिस्कस किया वीडियो वन में अभी डिस्कस करना है OFAF, oil forced, air forced. Next is oil forced, water forced, and next is oil directed application. Now these three will be discussed in this video. अभी इसी वीडियो में ये तीनों अभी हम डिस्कस करना है क्या है ये वाला पहले तीन को आप वीडियो नंबर वन देखिए प्लीज सी द वीडियो नंबर प्रीवियस वीडियो नंबर 24 टू फाइंड आउट व्हाट इज कूलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल नाउ द OFAF ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड इसका नाम से ही आपको पता चलता है द एयर इज फोर्स दैट इज फैन विल बी देयर फैन रहेगा और उसके साथ और एक भी चीज है ऑयल पंप सो ऑयल इज फोर्स्ड एंड दिस एयर ऑल्सो इज फोर्स्ड इनसाइड दिस मेन टैंक यू विल बी एबल टू सी The oil it is getting circulated through a pump, oil pump. You'll be able to see oil pump. The oil it is flowing through this area. So it is oil is forced by a pump and the air is forced by fan. So it is known as OFAF. Bigger capacity transformers are using like this. Formerly it is fan, oil, air. ये FOA जानता था पहले और it is increased. अभी इसके advantage है ज़्यादा heat dissipate कर सकता है. कम साइज में ही ज़्यादा कूल कर सकता है ओके एयर मूवमेंट विल बी डेफिनेटली देयर एंड ऑयल सर्कुलेशन विल बी देयर ये दोनों श्योर है हायर लोड लेवल्स विथ ONI अभी सोचो एक ही ट्रांसफार्मर ONIN है तो कैपेसिटी कम होगा ONAF है तो ज़्यादा होगा ये दोनों से ज़्यादा होगा OFAF ऑयल फोर्स एयर फोर्स हायर हीट रिजेक्शन विथ ए स्मॉल स्पेस अभी सोचो आपका पास ONAN ट्रांसफार्मर है 5 KVA का उसका ही साइज होगा अभी OFAF है उसमें तो उसका साइज और भी कम होगा इफ़ द ट्रांसफार्मर इज हैविंग ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम देन साइज विल बी लेसर देन ONAN और ONAF एप्लीकेशंस बिकॉज इट इज हैविंग फोर्स्ड एयर एंड फोर्स्ड ऑयल सो डेफिनेटली द कूलिंग विल बी बेटर Now with radiators, it may be having radiators also. You'll be able to see the fan mounted here and separately radiator may be also available. And fan and pump work to cool radiators, plates as needed. The radiators will be cooled by fans. Multiple stage cooling system भी आ सकता है एक साइड में एक रेडिएटर और डिफरेंट स्टेज में कूलिंग होता है तो उसको मल्टी स्टेज बताते हैं एंड द OFAF ट्रांसफॉर्मर at lower temperature we can use ONAN also oil natural air natural if we are switching off the fan and switching off the pump अभी सोचो आपका स्विच ऑफ किया है फैन और ऑयल पंप को देन अभी वो यूज़ कर सकता है ONAN के तरह ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल के तरह अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी है 30 MVA से ज़्यादा ये यूज़ करता है बस ज़्यादा 30 MVA के ज़्यादा OFAF कैपेसिटी वाला ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करता है तो इसमें क्या है आप देखता है फैन रहेगा और ऑयल पंप भी रहेगा ऑयल एयर फोर्स करता है फैन के मदद से और द ऑयल इज पंप्ड बाय ऑयल पंप और ऑयल फोर्स बाय पंप उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है अभी प्रोस तो एडवांटेज कॉन्स तो डिसएडवांटेज सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है आपको कैपेसिटी ज़्यादा भी कर सकता है फैन ऑफ किया तो कैपेसिटी कम करेगा पंप का कम करेगा तो और भी कम करेगा तो वो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आता है और लॉ ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा वो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बुरा समय ये फैन चेक कर दिया है ऑयल पंप चेक कर दिया है तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा तरह किए तो उसका ज़्यादा लाइफ मिलेगा विल बी गेटिंग बेटर लाइफ एंड मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ कूलिंग सरफेसेस विल बी बेटर बिकॉज इट इज़ मोर एक्सपोज्ड एंड एनर्जी कंजप्शन सिस्टम कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फोर्स्ड ऑयल एप्लीकेशंस इसका साइज कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाकी सभी ऑयल फोर्स्ड एप्लीकेशन चेक करके उसका एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज कर सकता है लेकिन द डिसएडवांटेज ये है उसमें ऑक्सिलरी पावर चाहिए यू विल बी रिक्वायरिंग एडिशनल पावर टू रन द फैन एंड द पंप मोटर सो फैन चलाने के लिए और पंप चलाने के लिए
एयर फैन और ऑयल पंप, ये दोनों चलाने के लिए ऑक्सिलरी पावर चाहिए ही चाहिए, तो वो डिसएडवांटेज है। क्या है ऑक्सिलरी सप्लाई? सोचो आपके पास 11 kV का ट्रांसफार्मर है और 220 kV का ट्रांसफार्मर है, आपको उससे पंखा नहीं चला सकता है क्या? सो वी विल बी रिक्वायरिंग सम 250 वोल्ट और 415 वोल्ट सप्लाई, फॉर दैट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज द एंड फैंस आर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यस दीज आर हैविंग एडिशनल मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स, इट इज रिक्वायरिंग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एनवायरमेंट्स। फोर्स्ड एयर है तो उसमें ये पंखा चलाने के बहुत ज़्यादा इंसेक्ट स्मॉल क्रीचर्स में भी देयर दैट बी क्रिएटिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। एंड नेक्स्ट इज OFAF, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड विथ कूलर्स। अभी रेडिएटर के बारे में बताया, अभी कूलर्स और भी है। कूलर्स ऐसा आपका एप्लीकेशन के अनुसार ये कूलिंग एरिया चेंज बदलते रहेगा। OFAF में फैन पंप चलता है, ये कूलिंग डिमांड का रेडिएटर बस आ सकता है, कूलर्स भी आ सकता है, कनेक्शन टैंक को कम कर सकता है। ओके, एक ही एप्लीकेशन है ऐसा, ये कनेक्ट नहीं है तो नेचुरल एयर बता सकता है। प्रूवन टेक्नोलॉजी पे हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में OFAF यूज़ करता है। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज विद कूलर्स, हाई कूलिंग कैपेसिटीज, बड़ा हाई कैपेसिटी में यूज़ करता है और रेडिएटर एप्लीकेशन से लेस स्पेस चाहिए। अभी OFAF में रेडिएटर भी है, कूलर भी है, रेडिएटर से भी कम स्पेस चाहिए कूलर के अनुसार। सो दो बोथ आर डिफरेंट, वन इज विद रेडिएटर OFAF, वन इज विद कूलर AF, इट इज हैविंग लेसर स्पेस रिक्वायरमेंट। Lower top up oil temperature in general use. It is top up temperature, top oil, oil का top temperature comparatively less होगा इसमें, consumes more energy and higher noise levels. इसका cooler का disadvantage भी है, इसमें ज़्यादा noise रहेगा fan के वजह से और pump के वजह से, maintenance ज़्यादा रहेगा इसमें, वो भी problem है। तो maintenance करने के लिए आपको manpower चाहिए, life कम होगा। पोटेंशियल इश्यूज एनवायरमेंट, जैसे हमने बताया पहले ONAF विद रेडिएटर्स, दिस इज सेम थिंग, पोटेंशियल विल बी देयर। अभी ऑक्सिलरी पावर सोचो, कूलिंग कैपेसिटी कम होगा जब उसमें इसका ऑक्सिलरी पावर खो गया। इफ द ऑक्सिलरी पावर इज नॉट अवेलेबल देन फैन विल नॉट वर्क, then the pump will not work effectively, the capacity will be reduced, that is a disadvantage. Now the next is OFWF, oil forced water forced. Now you can see this is the transformer and the transformer oil will be moved in this way, and here you will be seeing a heat exchanger. Idhar se oil wapas aayega lekin idhar pani hai, ye aap dekh sakte hain, water in and water out, the water will be taking out the heat from the heat exchanger. So the heat from the oil, it is taken by the water in the heat exchanger. So this is the additional thing, it is water is getting forced to a pump, so it is oil forced and water forced. The maximum cooling capacity transformer cooling, it is one of the item, it is OFWF. Oil is cooled by water application. Now oil will be moved by a pump and water will be moved at a pump, and it will be exchanging the heat here in the heat exchanger. Least amount of connection to tank, बहुत कम कनेक्शन देना ही है। वाटर स्टोर चाहिए उसके लिए, वो एक प्रॉब्लम है, ये वाटर स्टोर चाहिए, उसको कंटिन्यूसली सर्कुलेट करना ही भी। स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट बट हायर मेंटेनेंस, ये OFWF में अच्छा कैपेसिटी और एफिशिएंट भी है लेकिन उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा। उसका एडवांटेज और स्ट्रेज में देखें तो हाइएस्ट पोटेंशियल कूलिंग कैपेसिटीज ऑफ ऑल एप्लीकेशन, बेस्ट हाई कैपेसिटी मशीन आर यूज विद OFWF, स्पेस इतना कम हो सकता है, साइज कम होगा। अब आपने पहले ही बता दिया था जैसे कूलिंग इंप्रूव करता है साइज कम होता है। मेथड ऑफ कूलिंग हैज़ बीन यूज फॉर मेनी ईयर्स, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी बताता है, इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन बाई यूजिंग दिस आइटम, बिकॉज ऑलरेडी मेंटेनेंस पर्सन आर नोइंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। नॉइस बहुत कुछ नहीं है बिकॉज इट इज फ्लोइंग थ्रू वाटर ओनली, सो नॉइस इज नॉट लाइक अदर थिंग्स लाइक OFWF. ऑयल एंड वाटर पम्प कैन फेल, द प्रॉब्लम इज द ऑयल पम्प कैन फेल और वाटर पम्प कैन फेल। इफ इट इज फेलिंग वाट हैपन्स, यू विल बी एबल टू सी द कूलिंग कैपेसिटी विल बी सडनली रिड्यूसिंग।
भी ऑयल कंटामिनेशन भी हो सकता है, हीट एक्सचेंजर में पानी उसके साथ साथ जाता है डायरेक्टली, प्रैक्टिकली वो मिक्स नहीं करना है लेकिन मिक्स होने का चांस है, कंटामिनेशन हो सकता है। ट्यूब्स फाउल मस्ट बी क्लीन्ड, ट्यूब के अंदर कुछ हो गया तो वो रिमूव करना है। और वाटर सोर्स इज नीडर विद इन मोस्ट हीट एप्लीकेशंस, ये पानी हाई हीट होगा तो वो कूल करना भी पड़ेगा, पानी इटसेल्फ विल बी गेटिंग हाई कूल हाई हॉट इन द आउटपुट, बैक्टीरिया हजार्ड्स विल बी देयर, इज नॉट अ क्लोज लूप सिस्टम, पूरा अच्छा तरह क्लीन करना है पानी को। तो ये है OFWS एप्लीकेशन। देखेंगे सभी का एयर नेचुरल कैपेसिटी 5 to 10 kVA और AN यूज करता है, AN का ट्रांसफार्मर विल बी यूज फॉर 5 to 10 kVA ट्रांसफार्मर्स एंड एयर फोर्स्ड कूलिंग, फोर्स्ड एयर कूलिंग इट शुड बी ग्रेटर दैन दैट आइटम एंड कैपेसिटी वोल्टेज में देखें तो वोल्टेज रेटिंग 25 kVA से ज़्यादा नहीं होता है उसमें, सो 11 kVA डायरेक्टली यूज़ करता है। OFF 30 MVA से ज़्यादा यूज़ करता है, OFF 30 MVA और हायर यूज़ में यूज़ करता है। और OFWF यूज़ करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि पानी का अवेलेबिलिटी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ करता है। और कूलिंग रेडिएटर सिस्टम है तो पावर ट्रांसफार्मर विथ 10 MVA में ये यूज़ करता है विथ नेचुरल कूलिंग, कूलिंग रेडिएटर सिस्टम विथ नेचुरल रेडिएटर कूलिंग। तो कूलिंग विथ रेडिएटर एंड कूलर हमने बताया वो कैपेसिटी ऑफ 10 MVA का है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग।